हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप रेगुलर व्हाट्सएप यूज करते हो तो 1 जनवरी के बाद में आपके पास कुछ ऐसा पॉपअप तो आ ही गया होगा जब आपने व्हाट्सएप को ओपन कराई होगा, जिसमें आपने उसकी नई टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है या फिर डिसएग्री करना है। अभी तक अगर ये नहीं आया तो टेंशन मत लो, व्हाट्सएप की फुल दादागिरी चल रही है, अभी जरूर आएगा 1-2 दिन में आपके पास। अभी आज के वीडियो में ये डिस्कस करेंगे क्या सीन है इन सब का। यार अभी देखो यार, मैं सीधे मुद्दे की बात बताता हूँ आपको, चारों तरफ की बातों में घुमाऊंगा नहीं। व्हाट्सएप क्या क्या डेटा लेने वाला है इसको एग्री करने के बाद, अगर आप एग्री करते हो तो, और एग्री नहीं करते हो तो क्या होगा वो भी अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एग्री करोगे अगर आप इसको, तो आपका हार्डवेयर मॉडल जो भी हार्डवेयर डाटा है वो लेगा बेसिकली इसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फॉर्मेशन, बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ और ऐप वर्जन, ब्राउजर इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नेटवर्क और कनेक्शन इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें। इसके अलावा IP एड्रेस, आपकी लोकेशन, लेकिन लोकेशन ये उसी कंडीशन में लेगा जब आप किसी अपने दोस्त के साथ शेयर करते हो, लेकिन अगर शेयर नहीं करते हो तभी भी व्हाट्सएप आपका IP एड्रेस तो डिटेक्ट करेगा ही करेगा और उसे अपने सर्वर पर ले जाएगा। अब देखो, आपको पता है कि व्हाट्सएप आप कोई अलग कंपनी तो है नहीं, इसे फेसबुक ने खरीद लिया, तो व्हाट्सएप वो सारा डेटा फेसबुक को भी देगा, ये भी इसकी इस प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा हुआ है। मतलब दोनों मिलकर भाई यूज करेंगे अच्छे तरीके से उसको, और अगर आप इस टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री नहीं करते हो ना तो 8 फरवरी के बाद में आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। ये क्या दादागिरी है भाई, अगर नहीं एग्री करते हैं तो डिलीट कर दोगे। अब ऐसा सीन हो चुका है ना भाई कि व्हाट्सएप इतना, व्हाट्सएप चलाए इतना कोई कैसे रह सकता है, कैसे कांटेक्ट में रह सकते हैं, किसी से बात करनी है व्हाट्सएप काम आता है भाई। हाइक वगैरह है, बढ़िया है, इंडियन है, लेकिन कोई उनको यूज नहीं करता, तो यही सीन है भाई, ऐसा ही होता है अब लास्ट में जाके। और ये सब डेटा जाएगा फेसबुक के पास में, और फेसबुक का डेटा का सीन तो आपको पता ही है, सुन रखा होगा आपने पहले भी कि कितना सेफ रहता है फेसबुक, तो वही सब सीन है यार। और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि आप जो भी मैसेज वगैरह किसी से बात कर रहे हो तो वो भी व्हाट्सएप पढ़ लेगा, उसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, उसका कोई दिक्कत नहीं, वो कोई नहीं पढ़ता है, मतलब उसका किसी को नहीं पता चलेगा, उसके बारे में आप नो टेंशन रह सकते हो। लेकिन इसके बारे में यही सीन था, हमारे YouTube रिलेटेड नहीं था, लेकिन WhatsApp सभी यूज करते हैं, आपके फ़ोन में भी WhatsApp होगा, तो इसलिए मैंने इसको बताना जरूरी समझा। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होगी और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी जल्द मिलता है आपसे किसी ना किसी और वीडियो में, तब तक वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।